नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी में पदों की काफ़ी अच्छी खासी संख्या है और अगर आप 10th या 12th पास हैं तो ये वैकेंसी आप ही के लिए है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से हो, 10th 12th पास है तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। वहाँ 9,500 सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं उसके बारे में करीब करीब क्लियर होने जा रहा है, तो संभावना है कि जनवरी में वो एग्जाम आपका कराया जाएगा। तो ऐसा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बताया। तो ये तो बात थी यूपी की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम एक और नई भर्ती के बारे में जो कि बिल्कुल नई भर्ती है, लेटेस्ट आई है। इसके आवेदन कब से करना है, इसके फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन इससे पहले जान लेना चाहिए आपको ये इंपॉर्टेंट ऑफर के बारे में भी। दोस्तों अगर आप या आपके परिवार में कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो आपको इस तैयारी का बहुत ही बेहतरीन मौका दे रहा है अनअकैडमी एसएससी चैंपियन लीग। तो इसमें आप एनरोल करा सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं और ढेरों प्राइज हजारों रुपए के जीत भी सकते हैं। करना क्या है इसमें, ग्रुप स्टेज 1 23 अक्टूबर को आपका होने वाला है, ग्रुप स्टेज 2 24 अक्टूबर को होने वाला है और फाइनल 30 अक्टूबर को होने वाला है। अब इसका एग्जाम पैटर्न एक बार आप देख लें। ग्रुप स्टेज 1 में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का होगा और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का ये पेपर होने वाला है। ग्रुप स्टेज 2 की बात करें तो इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट मिलेंगे, सब्जेक्ट होगा आपका क्वांट इंग्लिश, फाइनल होगा इसमें आपका, इसमें 100 आपके क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। तीनों के तीनों ग्रुप स्टेज 1, ग्रुप स्टेज 2 और फाइनल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। फाइनल में आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट इंग्लिश सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं और नेगेटिव मार्किंग सभी में दी गई है। इससे आपकी टेस्ट की तैयारी का पता आपको खुद को लग जाएगा और कहीं भी आपको कमी नजर आए तो उसको आप इस चैंपियनशिप में शामिल होकर के तैयारी सॉलिड भी कर सकते हैं। रिवार्ड्स देख लेते हैं। एसएससी रिवार्ड्स के बारे में बात करेंगे तो ग्रुप स्टेज रैंक 1 को मिलेंगे 5,000 रुपये, ग्रुप स्टेज रैंक 2nd और 3rd को मिलेंगे 2,500 रुपये, ग्रुप स्टेज रैंक 4th और 5th को मिलेंगे 1,000 रुपये। फाइनल की बात कर लें तो फाइनल रैंक 1 को मिलेंगे 10,000 रुपये, फाइनल रैंक 2nd और 3rd को मिलेंगे 5,000 रुपये, फाइनल रैंक 4th और 5th को मिलेंगे 2,000 रुपये। तो आप बड़े आराम से अपनी तैयारी को सॉलिड कर सकते हैं और एसएससी रिवार्ड्स के साथ साथ नगद इनाम भी जीत सकते हैं अनअकैडमी की इस एसएससी चैंपियन लीग के थ्रू। तो यहाँ बात कर रहे हैं नई भर्ती के बारे में। भर्ती निकली है मध्य प्रदेश राज्य में और कांस्टेबल के यहाँ 4,000 पद हैं। चारों ये जो 4,000 पद हैं इनका डिटेल एक बार हम देख लेते हैं। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम देख लेते हैं, क्या क्या योग्यता है वो हम देख लेते हैं, अदर स्टेट वालों के लिए क्या ऑप्शंस है वो भी हम देख लेते हैं। तो एक बार चलिए आपको स्क्रीन की तरफ मैं सारा डिटेल दिखा देता हूं। तो यहां ये आपको दिखाई दे रहा है पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में सूचना। तो यहाँ इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में ये जो भर्ती है वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा की जाएंगी मध्य प्रदेश में। तो अब यहाँ देखिए इसकी इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है, 25 नवंबर की डेट आपको याद रखनी है। तो 25 नवंबर को क्या होने वाला है, विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत नियम पुस्तिका प्रकाशन की संभावित तिथि, यानी कि 25 नवंबर को इसका डिटेल्ड विज्ञापन आएगा। आज जो ये विज्ञापन जारी किया गया है ये शॉर्ट विज्ञापन है, ठीक है। तो 25 नवंबर को इसका डिटेल्ड विज्ञापन आएगा। 24 दिसंबर ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की तिथि ये आपकी 24 दिसंबर है। ऑनलाइन पत्र आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि लास्ट डेट है इसकी 7 जनवरी 2021। तो ये भर्ती आपकी 2020 में शुरू होगी और 2021 तक चलने वाली है। आवेदन आप 24 दिसंबर से भर पाएंगे, 7 जनवरी तक आप भर सकते हैं, और संशोधन अगर आपको करना है आवेदन में, कोई गलती हो गई है, तो 12 जनवरी तक आप कर पाएंगे। परीक्षा की टेंटेटिव डेट है यहाँ 6 मार्च दी हुई है, तो 6 मार्च से एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ये सब डेट टेंटेटिव हैं। कुल पदों की संख्या एक बार आप देख लें, 4,000 इसमें बताई गई है, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, यहाँ नीचे साइन किए हुए हैं, तो यहाँ इसकी सील लगी हुई नहीं है। हालांकि फिर भी हम नीचे इसमें और डिटेल एक बार देखते चलते हैं। तो ये आरक्षण के अनुसार चार्ट बनाया हुआ है कहाँ कितनी विज्ञप्तियाँ हैं। तो सबसे बड़ी बात है, पहली जो विज्ञप्ति है वो है कांस्टेबल रेडियो की, कुल 138 पद हैं इसमें। अनरिजर्व कैटेगरी के 38 हैं, ओबीसी के भी 38 हैं, एससी के 21 हैं, एसटी के 27 हैं और ईडब्ल्यूएस के 14 हैं। अब बात आती है कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी की,
तो यहाँ कुल पद हैं 3,862, इनमें से जनरल के हैं 1,043, ओबीसी के भी 1,043 हैं, एससी के हैं 617, एसटी के 772 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 387 पद हैं। तो इसमें कांस्टेबल रेडियो और कांस्टेबल जीडी दोनों को मिलाकर के 4,000 पद यहाँ संभावित हैं। अब बाकी डिटेल इसका एक बार देख लेते हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2020 से। तो इसमें पुरुष आवेदक जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 18 से 33 साल यहाँ उम्र सीमा रखी गई है और महिला अनारक्षित वर्ग से यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से, आरक्षित श्रेणी के पुरुष या महिला आवेदक जो कि एससी एसटी या ओबीसी के या शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक उनके लिए आवेदन की उम्र है 18 से 38 साल यानी कि 5 साल की छूट दी गई है। बाकी यहाँ अलग अलग छूट और मिलने वाली है जो स्टेट के हिसाब से होती है, उसका डिटेल यहाँ पूरा नीचे दिया गया है, हर पेज पे साइन है, आप यहाँ देख सकते हैं किस कैटेगरी को कितनी छूट है। किसी भी स्टेट से हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि ऐसा कहीं कुछ किया हुआ इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और दी गई, ये देखिए, संविदा शासकीय अर्धशासकीय अथवा भूतपूर्व सैनिक नगर सैनिकों के प्रकरण में अनुशासन अयोग्यता के आधार पर अथवा सेवा के अनुशासनात्मक कारणों से हटाए गए अन्य उम्मीदवार भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। तो यहाँ इतना दे करके इस विज्ञप्ति को बंद कर दिया गया है क्योंकि बाकी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें एलिजिबिलिटी एजुकेशन वाली बात अगर कर ले तो 10th या 12th पास मांगे जाने की संभावना है क्योंकि यहाँ भी इस बारे में क्लियर किया हुआ नहीं है, तो इसलिए कुछ भी हम कहेंगे यहाँ हो सकता है बाद में वो चेंज हो जाए, इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो विज्ञापन जब पूरा आएगा इसका 25 नवंबर को, तब तक आपको वेट कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके इंतजार में बैठे रहें, ये कंफर्म कर दिया गया है कि भाई ये विज्ञप्ति आ रही है और इसीलिए इसकी संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की गई है। डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब इन मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा चांस यहाँ आपको मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।